कटिहार में एक शख्स को शादी का मंसूबा बेहद भारी पड़ा और वह अब हवालात की हवा खा रहा है। मामला हरिशंकर स्कूल स्थित सर्वमंगला मंदिर के समीप का है, जहां घंटों फैमिली ड्रामा देखने को मिला। दरअसल जिस शख्स को लोग पीट रहे हैं उसका नाम अरुण शाह है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका गुनाह क्या है, तो आइए हम आपको पूरा माजरा तफसील से बताते हैं। लोगों से घिरे अरुण शाह पर आरोप है कि पत्नी गुड्डी के रहते ही जनाब को दूसरी शादी का सुरूर चढ़ा। बताया जाता है कि इन्हें नीलम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर मामला शादी तक जा पहुंचा। बुधवार को अरुण नीलम के साथ फेरे लेने वाला ही था कि मामले की भनक उसकी पत्नी गुड्डी को लग गई। फिर क्या था, गुड्डी के घर वाले पुलिस के साथ मौके पर जा पहुंचे। अरुण पर बीबी के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। इस पूरे मामले पर अरुण का कहना है कि गुड्डी उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, जिस कारण बच्चों की परवरिश के लिए उसने बकायदा नीलम से ब्याह रचाना चाहा। वहीं इस पूरे मसले पर जिस लड़की से अरुण शादी करने जा रहा था, उस नीलम का कहना है कि अरुण ने अपने शादीशुदा होने की बात उसे कभी नहीं बताई। जाहिर है मामला मियां बीबी और वो का है, जिसमें अब पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। अरुण की ख्वाहिश नीलम को ब्याह ससुराल ले जाने की थी, लेकिन अब वह खुद सरकारी ससुराल जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द एचडी न्यूज़।